हेलो गाइस, क्या आप स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं? अगर आप स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। बात करने वाले हैं फ्रेंड्स डेटा हैकिंग के बारे में। क्या आप जानते हैं आपका डेटा हैक हो सकता है? इससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? चलिए इसी बारे में बात करते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र पर या फिर अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करना होगा हैव आई बीन पाउंड। ये लिखकर आपको अपने गूगल ब्राउज़र पर सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको फर्स्ट वन वाले साइट को ओपन करना होगा जहाँ पर लिखा होगा हैव आई बीन पाउंड। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी पुट करना है। आप चाहते हैं तो अपने फ़ोन नंबर भी यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आज बात करने वाले हैं ईमेल आईडी के बारे में, जहाँ से डेटा कैसे लीक होता है या फिर इसमें हैकिंग कैसे की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी पुट अप कर दिया है। देन आफ्टर हम लोग क्लिक करेंगे पाउंड वाले बटन पर। जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारा अगर ईमेल अकाउंट हैक नहीं हुआ होगा तो वहाँ पर हमारे सामने गुड न्यूज़ नो पाउंड फाउंड करके लिखा हुआ आएगा और हमारे सामने कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, जिसका आप फॉलो करके अपने गूगल अकाउंट को या फिर अपने जीमेल आईडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। गाइस, इस साइट पर अगर आपका डेटा कहीं ब्रीच हुआ है तो आपके सामने ओ नो पाउंड का ऑप्शन आएगा और साथ ही सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि किस साइट से आपका डेटा ब्रीच हुआ है। जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है, हमारा जो डेटा है वो डोमिनोज के साइट से ब्रीच हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे अब अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो भी 100% वेरीफाइड प्रूफ के साथ में। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मेल आईडी सिक्योर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जीमेल ओपन करना होगा। जैसे ही आप लेफ्ट साइड से स्लाइड करेंगे, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जनरल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मैनेजर गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे, देन आफ्टर आपको स्लाइड करके सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और देखना होगा यहाँ पर आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है या नहीं। अगर आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है तो यहाँ पर आपको ऑन कर लेना है। इसके लिए आपको जैसे ही टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने प्रोटेक्ट योर अकाउंट विथ टू स्टेप वेरिफिकेशन आएगा। देन आफ्टर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा, क्या आप अपना साइन इन फ़ोन के थ्रू करना चाहते हैं? इसके लिए आपको यस करना है। देन आफ्टर आपको आपका फिंगरप्रिंट लगा के वेरीफाई करना होगा कि जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं क्या वाकई में यही वो फ़ोन है। देन आफ्टर फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का ओपन होगा, जहां पर शो होगा कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, क्या यही वो फ़ोन है, यही वो मॉडल नंबर है फ़ोन का जो आप यूज़ कर रहे हैं। देन आफ्टर फ्रेंड्स, आपको अपना फ़ोन नंबर इनपुट करके एक OTP आएगी। उस OTP को यहां पर पुट अप करना होगा। जैसे ही आप OTP पुट अप कर लेंगे, आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। सो इस तरीके से गाइस, आप अपना ईमेल आईडी सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। साथ ही ऐसे कॉम्बिनेशंस में पासवर्ड डालने होंगे जो आपको याद रहें और आपके डेटा को सुरक्षित रखने में आपकी मदद कर सकें। तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो? कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डील्स फॉर यू।